भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान में आयोजित किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक होगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 23 फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे तथा किसानों के क्रमवार चलने वाले अधिवेशन का समापन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे तथा 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे तथा एक विशाल किसान रैली को संबोधित करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, ऋषि कृषि परंपरा के इस पवित्र धरती पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है गोरखपुर। तेईस चौबीस फरवरी को राष्ट्रीय महाधिवेशन की तिथि तय है। 23 तारीख को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह करेंगे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। झंडोत्तोलन मुझे करना है, राष्ट्रीय महामंत्री किसान मोर्चा के प्रभारी अनिल जैन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र कार्य समिति के सभी सदस्य डेलीगेट के रूप में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे और हर जिला के जिला अध्यक्ष और महामंत्री भी राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन कार्यकर्ताओं के अधिवेशन का समापन भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे। राष्ट्रीय महाधिवेशन में अनेक सत्र होंगे जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री और अनेक मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में संरक्षण के तौर पर, संरक्षक के तौर पर हमारे प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के संरक्षण में ये किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। 24 तारीख को राष्ट्रीय महाधिवेशन का खुला अधिवेशन जो होगा, एक तरह से किसानों की महारैली, प्रधानमंत्री उसको संबोधित करेंगे। इस पूरे महाधिवेशन में आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसान समृद्धि योजना 6,000 रुपया सालाने किसान के खाते में चले जाएंगे उसकी भी शुभारंभ, उसका भी शुभारंभ उसी दिन पूरे देश में होगा। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री
और सभी सांसद भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कृषि राज्य का भी विषय है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने जो किसानों के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके परिश्रम के पसीने की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जो कार्य किया है, वो ऐतिहासिक कार्य है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, किसान मोर्चा के नेताओं से इस बात का संबोधन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी नेता करेंगे, जिससे हर किसान केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बने। पहली बार ऐतिहासिक तौर पर प्रदेश में धान की खरीद हुई है। गन्ना के खरीद के वो पैसे जो बकाए थे वो भुगतान हो गए हैं और 1860 रुपये गेहूं के राट गेहूं का भाव तय किया गया है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भरोसा दिलाया है देश की जनता को कि किसानों के लिए अभी जो हुआ है वो पहला कदम है और आगे भी बहुत कुछ करना है जो बाकी। किसानों की समृद्धि के लिए भविष्य में भी बहुत बड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जरूर ही होंगे। भारत में किसान समृद्ध होगा तब ही पूरी समृद्धि भारत की स्थापित होगी। इस बात का एहसास पहली बार भारत के किसानों को इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी प्रदेशों में सरकार है, चाहे गुजरात में हो, चाहे हिमाचल में हो, अन्य प्रदेशों में हो, सबने इस तरह का कार्य किया है। पहली बार परिश्रम के पसीने की प्रतिष्ठा इस देश में स्थापित करने का कार्य भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों ने किया और इस ऐतिहासिक क्षण में ये ऐतिहासिक किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महाधिवेशन इस ऋषि कृषि परंपरा के पवित्र भूमि गोरखपीठ के सानिध्य में गोरखपुर में हो रहा है। 5000 डेलीगेट आमंत्रित हैं, वो आएंगे। पूरे देश के 5000 डेलीगेट आएंगे। खुला अधिवेशन में लाखों लोग उपस्थित होंगे जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे।